सो हे गाइस एंड नमस्कार। सो आप लोगों का इतना अच्छा खासा प्यार देखकर यानी कि मीम्स रिव्यू के ऊपर इतना अच्छा खासा व्यूज देखकर हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नया पार्ट लेकर। वेलकम वेलकम टू न्यू मीम्स की दुनिया। एंड हाँ, शाउट आउट मेरे भाई को मीमापुर को, उनके चैनल को जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पंजाबी दी बैटरी क्या रहती है, पहले चार्ज रहती है, कपिल शर्मा शो से कोई शादी नहीं हुई ना तो बैटरी तो चार्ज रही थी। वाह, जिस दिन शादी हुई ना अर्चना जी, फिर तो वो पतले पिन वाला चार्जर होता है ना, वो मतलब जो एप्पल वाला रहता है पहले, उसके बाद टाइप सी हो जाता है, उसके बाद जो पुराना वाला वो एंड्रॉइड नहीं आता था जिस पर वो कौन सा टाइप लगता था। ओके, हैप्पी अपने शाहरुख भाई। हैप्पी क्या क्या हुआ, तुम्हारी जीन्स कहाँ है? जीन्स तो मैंने अपनी पहनी थी ना। ओह शिट, ये इसकी जीन्स पहनी होगी जावे ने। फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए भाई साहब, इस वीडियो के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? इब्रार। बड़े खतरनाक गैंगस्टर लग रहे हैं आप तो मुझे। आप मुझे ये बताएं सर्दियां कैसी गुजर रही? सर्दियां बस गुजर रही हैं, या अब कंबल दो या कंबल में दो। इंटरव्यूज के टाइम पर क्लाइमेक्स डिले करना चाहते हो तो ये रहे कुछ स्टेप्स जिससे आप नेचुरली अपना क्लाइमेक्स डिले कर पाओगे। नंबर वन, इंडियन स्पाइडर ना मत दिखा सीना, हम भी सीने में दम। अच्छा, सीने में दम रखने वाले आदमी, बरा के नीचे दो बम रखते हैं हम, चड्डी के नीचे दो बम के साथ एक घर। क्या बात है सर, अपने अमित भर। अरे देखा है मैंने ये, पर ये कौन सा मीम्स लगाने वाले? हाय, और बताएं? और बताएं, बताता हूँ ना सर। हेलो सर। सिर्फ हेलो सर, हेलो मैम कौन बोलेगा? मैम क्यों सर, चूतिया है क्या? क्यों नहीं के? समझ गया। क्या समझ गया? The customer is always right. Yeah. Hello ma'am. लोल अमित भाई लोल। नहीं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं ये कॉन्सेप्ट मतलब समझा देता हूँ। इसमें जो कैटरीना मैम है, कैटरीना ही है ना नाम? हाँ यही है नाम, जो भी हो। तू तो गया बेटे। जो ये मैम है ये एक्चुअली में भूत है जो कि इन वेटर को मतलब दिखाई नहीं देता है, मतलब समझ गए? इसलिए इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किसको मैम बोलना है। मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, दिन ब दिन इसका पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। सोनम तो एकदम दीवानी है, पगली है, पगली है, फंस गए बामन की। मेरी देखो हमारे शर्म के चेहरे कैसे लाल हो रहा है। ओ ब्रो, देखो ओ भाई, तुम देखा है वीडियो? देखो क्या किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो तुम। कैसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं, मतलब कुछ सीरियस मैटर हो गया भाई मीम्स की दुनिया में। इस तरह की हरकतें करते हो तुम, देखो देखो महिलाओं का अफ्री हरकतें करते हो। तुमने मना किया था तो उसने क्या बोला? क्या बोला? मैं भी बैठ चाहता हूँ। क्या चीज? एक्स दिखाने के लिए वीडियो पर। एक्स को दिखाने के लिए? मतलब चाहती है कि उससे ज्यादा परफेक्ट मैं लगूं। यार मैं चेक खराब हुआ था साइडो मेरे ना, बहुत प्लेग्राउंड कम ही है। इस बैक पेन का तो सलूशन मैं खुद ही हूँ, आई विल गिव यू मसाज। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात करते हैं यार। आई डोंट नीड अ बैक मसाज, आई जस्ट वांट बातों की मसाज, मेरा मूड एनलाइटन हो जाए, लिफ्ट अप हो जाए। तो ये तुम्हारा समस्या है। क्रिकेट भाई आप तो फैमिली फ्रेंडली वाले थे चाहिए, और पहले आपको लेट जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं आपके साथ हूँ ही तो हम बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं। क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं समझ गए समझ गए, लव यू, आई लव यू बोले उसने मुझे। ये क्या बोल रहे हो कि गाली दे रहे हैं मेरे को? खुशी से थक गए हम, वाह
नो आपका हमारे शो पे बहुत हगीस भाई मैं कुछ गलत शब्द नहीं बोल रहा, बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। और कहते हैं ना अर्चना जी कि भूखा आदमी जो होता है ना उसको दो रोटी दिखा दो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मैं जिन लोगों को ये मीम समझ में नहीं आया वो लोग जाके पोगो देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।